बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, नसफ्राम सियालकोट, और आज मैं हालकाबाद में मौजूद हूँ। हालकाबाद के एक गांव में मौजूद हूँ। आपको मैं आज का खूबसूरत व्यूज़ के साथ आपको आज का मैं यहाँ का गांव दिखाऊंगा। मैं बेसिकली खानेवाल में आया हूँ। खानेवाल का एक विलेज है ये हालकाबाद, यहाँ पर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। आपको मैं इसके खूबसूरत से व्यूज़ दिखाने वाला हूँ। इस वक्त मैं छत पे खड़ा हूँ और यहाँ से बिल्कुल खूबसूरत व्यूज़ वगैरह नज़र आ रहे हैं जो आपको मैं दिखाने लगा हूँ। तो चले शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि तो इसी तरह आपको खूबसूरत व्लॉग्स वगैरह मिलते रहे। और आज हम व्लॉग बना रहे हैं हालकाबाद विलेज का। तो चले शुरू करते हैं अपना व्लॉग। ये सात गुआंडियों वालों का घर हमारे इधर जपिड में कहते हैं, विलेज लाइफ में लोग कहते हैं ये हमारे गुआंडी हैं। ये उनका घर छोटा सा बना हुआ, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत व्यूज़ है हालकाबाद विलेज के। ये वर्किंग हो रही है, और ये मेरे कज़न्स हैं जो अभी बाहर से आए हैं, जो अपने गुआंडियों की तरफ हाथ धो रहे हैं। नल लगा हुआ था, और ये देखे ये मेरे अंकल की गाड़ियाँ, और ये उनका छत है, और ये बाहर विलेज देखें, खूबसूरत व्यूज़ देखें, और इनकी काओ भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सारा खूबसूरत विलेज दिखाऊंगा आपको सारा। जो अभी मैंने आपको अपनी पिक्चर्स दिखाई हैं वो इसी ट्रैक्टर पर दिखाई हैं। अभी हम नीचे भी जाएंगे ये सारे विलेज का व्यूज़ लेने। आपको हम सारा विलेज दिखाएंगे। अब हम नीचे जाएंगे और बाहर के विलेज का व्लॉग देखेंगे। ये घर के अंदर ही खूबसूरत सा दरख्त लगा हुआ था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बाहर वाली साइड पे आ चुके हैं। इनकी खूबसूरत व्यूज़, खूबसूरत ट्रैक्टर, खूबसूरत बाहर के माहौल का। यहाँ पर हम मार्च के महीने में आए थे, लेकिन मार्च में भी ऐसा लग रहा था जैसे जून जुलाई के महीने वाली गर्मी हो। यहाँ खानेवाल वाली साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
ये चारा काटने वाली मशीन है जिसको हम पंजाबी में फट्टे पट्ठे कहते हैं, जो भी ये वो काटने वाली मशीन है जो हम जानवरों वगैरह को देते हैं। माशाल्लाह ये इतना ख़ूबसूरत बैल है, अगर तो इसको तैयार किया जाता तो इसका रेट भी बड़ा अच्छा लगना था, और वह है भी बहुत ख़ूबसूरत बना हुआ। अब मैं आपको इसका ट्यूबवेल दिखाऊंगा। आज से 4-5 साल पहले जब मैं इस ट्यूबवेल के पास आया था तब मैं यहाँ आया भी था, लेकिन अब ज़रा सर्दियाँ अभी गुजरी हैं तो अभी ट्यूबवेल की हालत ख़राब है, वो देखने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है, इतना बड़ा ट्यूबवेल इनका बना हुआ है। ये पाइप है ट्यूबवेल का, ये आगे सारा ट्यूबवेल है। पहले मैं आपको यहाँ के व्यूज़ वगैरह दिखाता हूँ, फिर आगे जाकर ट्यूबवेल वगैरह भी दिखाता हूँ। ये कुआँ है, आप देखें कितनी गहराई में है। आपको मैंने भी बड़ी मुश्किल से नीचे होकर इसको कैप्चर लिया, और इसको नीचे देखते देखते वैसे भी चक्कर आने लग जाते हैं। मैं आपको इसकी सीढ़ियाँ भी दिखाता हूँ। ट्यूबवेल दिखाते हैं आपको। ये माशाल्लाह इतना बड़ा ट्यूबवेल बना हुआ है, जब ये साफ़ सफाई हो जाती है ना इस ट्यूबवेल की, तो इसमें नहाने का भी इतना मज़ा आता है, और इसमें स्विमिंग भी हो सकती है। अभी तो चलो सर्दियां गुजरी हैं ना, तो ये गंदा हो गया। अगर कभी मैं गर्मियों में आया तो मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैं पहले आया था है तो गर्मियाँ थी, लेकिन उस वक्त मैं ना व्लॉग बनाता था ना टिकटॉक यूज़ करता था, तो अभी मुझे वीडियोज़ वगैरह का शौक़ है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ का व्लॉग बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आ रहा होगा, तो चलें देखें। अभी ये देखें, ये सीढ़ियाँ हैं ट्यूबवेल की, जहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत गहराई में है, जो पानी निकालते हैं ज़मीन से। ये दूसरा गेट है गायें वगैरह को, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वाड़ा, गायों का वाड़ा। ये वो देखें,
यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई जानवर नहीं रखा हुआ, जानवर दूसरी साइड पे रखे हुए थे। ये देखें दूसरी साइड पे थे इस वक्त जानवर। इस वक्त आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा भैंसे हैं। ओ मैं आपके साथ वीडियो बना रहा था, आप भाग गई हो। ये देखो गायें वगैरह सेल्फ़ी लेने के लिए आगे आगे आ गई हैं। ऐसे लग रहा है सेल्फ़ी के लिए आई हैं। देखें हुश 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 ये गायें। दोस्तों ये खालकाबाद का एक विलेज था, खानेवाल सिटी में ये खालकाबाद का एक बहुत खूबसूरत सा विलेज है। तो आप देखें आपने ये देखा कि कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं और इन्जॉय भी आपने किया ये देखा। और जो विलेज टाइप लोग हैं, विलेज के लोग जिनको विलेज लाइफ पसंद है उनको ये मुझे पता है आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी किसी व्लॉग पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तो इसी तरह आपको ट्रेन जर्नी, विलेज के व्लॉग, हर किस्म का व्लॉग, पार्कों के व्लॉग मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।